ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रो, स्नेक, वल्चर, बियर और यहाँ तक कि एलिफेंट भी, जिनकी अलग अलग टाइप की एबिलिटीज है। कोई पॉइजन थ्री का इफेक्ट दे सकता है तो कोई डायरेक्ट ही निगल सकता है। तो मेरा मेन चैलेंज ये है कि मुझे इन एनिमल्स को अपने जू के अंदर लेके जाना है, बट मैं लाऊंगा कैसे ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और गाइस, मेरा लाइक बटन खराब हो गया है, एक बार आप दबा के देखना, चल तो रहा है ना। एंड भाइयों, आपको पता है YouTube पर एक ग्लिच चल रहा है कि सब्सक्राइब करने पे भी अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो कहीं आपके फोन या पीसी में ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। पहले आएंगे हमारे रेगुलर दोस्त, जैसे कि पिग हो गया, चिकन और काऊ, जो ओक और बीच फॉरेस्ट में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे घूमते हैं जैसे कि पार्क में मॉर्निंग वॉक पर आए हों। इन्हें पकड़ना तो बस चाइल्ड प्ले है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब हम बियर और क्रो को ढूंढने निकलेंगे। बियर तो है ही घुमंटू, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और क्रो वो तो है ही स्मार्ट। इन्हें पकड़ना मतलब समझो एक छोटी सी ब्रेन एक्सरसाइज। और ऐसे ही हम अलग अलग एनिमल्स को अपने जू में लाएंगे। चलो गाइस, मैं निकल पड़ा हूँ क्रो को ढूंढने, वो भी प्लेन बायोम में। और हाँ, अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो बियर भी मिल जाएगा वहीं कहीं, क्योंकि दोनों रहते तो प्लेन बायोम में ही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अरे अरे, ये रहा हमारा पहला गेस्ट, मिस्टर क्रो। अच्छी तरह से इसको लेड से बांध लेता हूँ और जल्दी से इसको जू की तरफ ले चलता हूँ। अरे क्या वहाँ क्या है, बियर तो नहीं है कहीं? मेरे को बियर जैसे लग रहा है। अरे यार, ये तो बियर ही है। वाह भाई, किस्मत तो ऐसी हो कि एक एनिमल को ढूंढने आया था और दो दो मिल गए। वाह भाई, क्या बात है, ये तो पार्टी ही हो गई। चलो इस मस्त मौला को भी जू की तरफ ले चलता हूँ। 5 minutes later फाइनली मैं अपने जू पर आ चुका हूँ। हो रहा हमारा जू, जल्दी से इन दोनों को बांध लेता हूँ और जिससे ये दोनों कहीं भाग ना पाए। और बिना टाइम लगाए ये एनिमल मुझे इजली तो मिल गए, बट मुझे नहीं लगता कि बाकी एनिमल्स मुझे इजली मिलने वाले हैं। चलो भाइयों, अब मैं निकल पड़ा हूँ दूसरे एनिमल को ढूंढने, जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये बंदा, अरे मतलब मेरा मतलब था कि ये एनिमल मुझे जिंदा ही निकल सकता है। हाँ सही सुना आपने, बिल्कुल जिंदा निकल सकता है भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है, मुझे शायद ये ओशन के पास ही मिलेगा। जल्दी से मैं ओशन के पास जाता हूँ और वहाँ जाके एनिमल को ढूंढता हूँ, शायद वो मिल जाए एनिमल जिसको मैं ढूंढने निकला हूँ। अरे वाह, फाइनली मैं तो ओशन में आ ही गया। मुझे यहाँ पर एक भी क्रोकोडाइल नज़र नहीं आ रहा है। इधर उधर ढूंढता हूँ, देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए। 5 minutes later अरे यार भाई, ये तो कहीं पर भी नहीं है यार। मैं थक गया भाई ढूंढ ढूंढ के, यार कहाँ पर छुप के बैठा है मेरे को भी नहीं पता। क्या पता शायद शिकार पे गया हो, कुछ कह नहीं सकते ना क्रोकोडाइल का, जब भी उसको भूख लग जाए वो शिकार करने चल देता है। ओहो देखो तो शायद वहाँ पे सैंड पर कुछ है, पर इसको मैं पकड़ूँ कैसे? अरे हाँ, मेरी इन्वेंट्री में तो नेदराइट आर्मर है, पहन लेता हूँ फिर पकड़ूंगा इसको। अब धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे देख लेगा। धीरे धीरे चलता हूँ आगे, जल्दी से लेड बांध लेता हूँ। ये क्रोकोडाइल मुझे ही खा ले तो आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा इसको। जू सामने से शायद मेरे को दिख रहा है कि सामने शायद जू है, तो जल्दी से जू पे जाते हैं और डायरेक्टली इसको जाके वहां पे बांध देते हैं क्रोकोडाइल को, और फिर अपना हम फोर्थ एनिमल ढूंढने चलेंगे। अब मैं निकलता हूँ एक और एडवेंचर सफर पर। इस बार मेरा टारगेट है सोल वल्चर को लाना, बट इसको लाना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे ये नेदर में मिलेगी बट किस बायोम में ये नहीं पता। तो जल्दी से मैं पहले ऑब्सीडियन का पोर्टल बना लेता हूँ। चलो फाइनली हमारा पोर्टल तैयार हो गया, ये। अब मैं चलता हूँ नेदर के अंदर, लेकिन ये सोल वल्चर कहाँ मिलेगी, यही तो सोचने वाली बात है। शायद से सोल सैंड वैली में मिल सकती है, तो जल्दी से मैं सोल सैंड वैली ढूंढता हूँ। अरे भाई भाई भाई, क्या लक है, ये तो मुझे सामने ही सोल सैंड वैली दिख रही है। जल्दी से मैं सोल सैंड वैली की तरफ जाता हूँ और ट्राई करता हूँ सोल वल्चर को ढूंढने का। बट यार, सोचने वाली ये बात है, मुझे एक दो दिख भी गई तो पकड़ूंगा कैसे? वो तो हवा में ही उड़ती रहती है और कुछ है भी नहीं जिससे मैं उसको पकड़ पाऊँ।
5 मिनट्स लेटर। क्या बात है, फाइनली वल्चर दिख रही है, पर बार बार भाई ये मेरे को हिट क्यों कर रही है यार, बार बार मेरी हेल्थ कम हो रही है। इसको पकड़ना तो नामुमकिन है, छोड़ो भाई इसको तो पकड़ ही नहीं सकते, इसकी जगह बोन ब्लॉक ही ले चलता हूँ, जल्दी से तोड़ लेता हूँ बोन ब्लॉक को। अरे बॉय बॉय बॉय, चेस्ट वो भी हिडन, खोल के देखता हूँ क्या है। ओएमजी, ये तो सोल हर्ट है, पर क्या करे इसका, कोई नहीं, सोल वल्चर तो नहीं मिली तो मुझे सोल हर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं लेके आया अपने जू में एक नया ट्रेजर। फाइनली गाइस, मैंने चार एनिमल को पकड़ लिया है, ये रहा पहला एनिमल, ये रहा अपना दूसरा एनिमल, ये रहा अपना तीसरा एनिमल, और ये रहा अपना अरे चौथा कहाँ है। ओ शिट यार, मैं तो भूल ही गया था चौथा एनिमल कहाँ था, चौथा एनिमल की जगह पर तो ही सोल हर्ट लाए थे हम। तो जल्दी से मैं इन एनिमल्स को इनकी जगह रख देता हूँ। तो फाइनली गाइस, हमने इन एनिमल्स को इनकी जगह पर रख दिया है जहाँ ये रहेंगे, और हम दो एनिमल्स को लाना अभी रह गया है, एक स्नेक और दूसरा एलिफेंट, तो इन दोनों को अभी लाना बाकी है। तो यहीं तक थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच,